मेरा नाम आरिफा है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मेरे परिवार में मैं सबसे छोटी हूँ। मैं आप सभी को अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये बात उस समय की है जब मैं कक्षा 6 में पढ़ती थी। मेरी मम्मी मुझे रोज़ाना स्कूल छोड़ने जाया करती थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मम्मी मुझे क्यों छोड़ने जाती थी। मैं अपनी मम्मी को मना भी करती थी, मगर वो कहती कि बेटा, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम अभी बच्ची हो और समझदार भी नहीं हो। मगर एक दिन मेरी मम्मी को अचानक से कुछ काम पड़ गया, तो उस दिन मम्मी मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जा सकी। उस दिन मैं अकेले जब स्कूल जा रही थी, तो मैंने कुछ लोगों को देखा जो फुटपाथ पर ही रह रहे थे और वो फूल बेच रहे थे। वहीं पर वो लोग खाना भी बनाते थे। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा और मैंने ज़्यादा ध्यान न देते हुए स्कूल चली गई। स्कूल में पहुंचकर सहेलियों से मिली। कक्षा में सभी लोग पहुंचे और टीचर पढ़ाने आ गई। स्कूल ख़त्म होने के बाद स्कूल से घर लौट रही थी, तो मैंने कुछ बच्चों को देखा जो भीख मांग रहे थे और कुछ कलाबाजी दिखा रहे थे। कलाबाजी दिखाने के बाद लोगों से भीख मांग रहे थे। पास में ही उनका परिवार बैठा हुआ था। उन बच्चों ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। मुझे उनको देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। मुझे लगा काश मैं इन बच्चों की मदद कर पाती। ये सोचते सोचते मैं घर जाने लगी। घर पहुंचने के बाद मैंने खाना खाया और थोड़ी देर में जब स्कूल का काम करने के लिए किताब उठाई, तो अचानक वही रास्ते की बात याद आ गई। फिर से मुझे बहुत दुख हुआ। इतनी देर में मेरी मम्मी आ गई और मम्मी ने पूछा कि बेटा, खाना खाया या नहीं? मैंने बोला, हाँ मम्मी, मैंने खाना खा लिया। उसके बाद मम्मी अपने काम पर चली गई। मम्मी के जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मेरी मम्मी मुझे कितना प्यार करती है। मेरे लिए वो दिन रात मेहनत करती है और मुझे पढ़ाती है और अच्छे से ख्याल रखती है। मैं भी बड़े होकर पढ़े लिख कर कुछ बनकर दिखाऊंगी और खूब सारा पैसा कमाऊंगी।